जनता है उसको भरोसा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे हैं, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। वो क्या रहा है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है, देश में नफरत की बाजार सज रही है। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। ये था कि उसका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था, उसका जन्म एक सामंती परिवार में नहीं हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भरोसा है कि वो इस्तीफा मांगेंगे, आपने भी इस्तीफे का जिक्र किया। मैं कह रहा हूँ, मुझे और तमाम जो 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसको भरोसा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल होगा, अगर वो राष्ट्रपति है देश की तो क्यों नहीं सवाल होगा, क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा। अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करें और वो सरकार से सवाल जवाब करे, लेकिन वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था और आदिवासीवाद के समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी, लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन वो मैं संविधान पे सवाल नहीं कर रहा, संविधान में के दायरे में और संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विश्वास जताया कि द्रौपदी मुर्मू बाहर आए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हाथों में ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संज्ञान तो पहलवान खिलाड़ियों के लिए भी दिया गया था, लेकिन कुछ निष्कर्ष खास नहीं निकला। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे हैं, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है, देश में नफरत की बाजार सज रही है। आज बन रहा है, उसमें वोट भी लगा बीजेपी को मोटा। सुनिए, आप जैसे पत्रकार लोग एक एजेंडा चला रहे हो कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी, आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए, आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है, आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है, आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है, आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, आप उस समय अंधे हो जाते हो। एक सुनिए, मध्य प्रदेश के सवाल ये था कि बीजेपी का ध्यान राम मंदिर की तरफ है, लेकिन आप सवाल कुछ और ही समझ, सुनिए, कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया, पहले आप सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात है राम मंदिर पे, मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप हिम्मत जताइए उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, OBC है ना SC है ना ST है, और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया, तो बात तो वहाँ आती नहीं है। फूल बरसा रही है आप पे तो। सुनिए, फूल बरसाने से क्या रोजगार मिल जाएगा, ये तो सदा सर अपमान है कि आप पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्थर डाल दिया जाएगा। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। मैं पत्थर और झंडा
सुनिए, आस्था कभी वास्तविकता से इंडिकेट नहीं हो सकता। मैं वास्तविकता की बात करता हूँ, आस्था एक अध्यात्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि जितने भी मंदिर इनका भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, नीचे बहुत बयान निकलेंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। आप भी बताइए, आपका जो सदन है जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती है, उनका जो पीठासीन है वहाँ पे भी बुद्धा है। और मैं कह रहा हूँ सदन तो छोड़ दीजिए, जहाँ बैठेंगे वहाँ बुद्धा ही बुद्धा दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश, अगर देश से बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बुद्धा की धरती के नाम से जाना जाता है, बुद्धा की धरती के नाम से। नीता अंबानी ने भी बाहर जाके बोली। सुनिए, जय श्री राम एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है। गौतम बुद्धा धर्म की शांति के लिए जाने जाते हैं।